नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने बर्ड नेचर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अगर आप लोग फिंच बर्ड पालना चाहते हैं फिंच, तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो फिंच बर्ड पालना आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है, तो ये सब फिंच बर्ड के बारे में हर एक डिटेल मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जुड़े रहना और मैं इस वीडियो में फिंच बर्ड रिलेटेड हर एक सवाल का मैं आपको जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो देने की मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए मेरा पीछे जो है ये सब मेरा फिंच बर्ड का एक कॉलोनी है। तो फिंच बर्ड दोस्तों अगर आप लोग कॉलोनी में पालते हैं तो फिंच बर्ड ज़्यादा मतलब वो प्रोडक्शन आप लोगों को देगा। ये है पूरा फिंच बर्ड का कॉलोनी और ये सब नॉर्मल फिंच है, मतलब जेब्रा फिंच। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप गोल्डियन फिंच या आउल फिंच या जेब्रा फिंच ये सब पालना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको आपके लिए मैं बताऊंगा कि जेब्रा फिंच और नॉर्मल फिंच जो है वो मतलब जो गोल्डियन फिंच जो है उसके लिए अगर आप अगर सिपाइट केज में करते हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वो थोड़ा मतलब उसका जो थोड़ा प्राइस थोड़ा हाई होता है। तो अगर पेयर इधर उधर हो गया तो आपके लिए मतलब नुकसान हो सकता है। तो ये मेरा जो है वो नॉर्मल सब फिंच है, इसलिए मैं एक साथ रख दिया हूँ। और इसमें दोस्तों ये जो है ये महीने में हर एक महीने में ये अंडा बच्चा कर सकता है, मतलब एक बच्चा वो जो इसका केज है केज से बाहर मतलब आने से पहले वो दूसरा अंडा लेकर देता है, तो इतना ज़्यादा इसका प्रोडक्शन है। तो यहाँ पे मेरा जो है पहले जो मैं लेके आया था मैं 7 पेयर लेके आया था, तो अभी जो है वो दोस्तों अभी 40-45 जो है वो फिंच अभी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे मेरा बेसिकली है जेब्रा फिंच है और कुछ बंगाली फिंच है। तो दोस्तों अगर आप लोग फिंच बर्ड पालना चाहते हैं तो आपको मैं बताऊँ कि ये जो है ये बहुत ही बढ़िया एक बर्ड होता है। पहले तो ये बहुत छोटा छोटा होता है, आपने देखा होगा फिंच, तो पहले तो ये छोटा होता है तो जगह इसका लिए कम लगता है। आप छोटा सा जगह में ये फिंच बर्ड मतलब पाल सकते हो। और अगर आप लोग गोल्डियन फिंच या येलो जो गोल्डियन होता है वो बहुत देखने में सुंदर होता है, ये सब अगर पालना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए जो घर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि वो ना मतलब बहुत मतलब कम ह्यूमिडिटी का बर्ड होता है, क्योंकि जो है वो थोड़ा सा हवा अगर थोड़ा सा हवा इधर उधर हो गया तो उसका जो ठंड लग जाता है, ये सब मसला उसमें होता है। लेकिन ये जो है ये येलो मतलब जेब्रा फिंच इसमें दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होता है, ये ऐसे ही रह लेता है, मतलब आप जैसे भी रख दो ये रह लेता है और जो भी इसको खिलाओ ये खा लेता है। मतलब इसका जो है छोटा छोटा दाना आपने देखा होगा कंगनी दाना, ये कंगनी दाना खाता है। लेकिन दोस्तों आप इसके अलावा आपको आपके पास अगर चावल है, आप अगर दूसरा कोई चीज़ खिला मतलब इसको देते हो तो ये हर एक चीज़ खा लेता है, मतलब इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और जगह भी इसको छोटा देना पड़ता है, इसका जो नेस्टिंग मटेरियल है जो इसका बक्सा है ये भी छोटा छोटा, अगर आप मतलब जो भी दे दो। तो देखिए मैं जो है वो दे दिया और इसके साथ साथ दोस्तों नारियल का जो छिबड़ा मतलब छिलका है तो मैं इसको दे दिया। तो ये देखिए पूरा ऊपर में ये मतलब वो उसके उसको लेके ये जो है वो अपना घर ठीक ठाक से बना लिया। तो इसके लिए अगर आप सॉफ्ट फूड यूज़ करना चाहते हैं तो सॉफ्ट फूड में आप जो भी कुछ दोगे अगर इसको दोगे ये सभी खा लेगा। और दोस्तों ये जो बर्ड होता है ये बीमार भी कम होता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर सकता है। तो आप अगर आप लोग ये फिंच बर्ड पालना चाहते हैं तो आप फिंच बर्ड जरूर से पालिए, इसका जो है दोस्तों इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, मतलब ये बहुत ही अंडा ले करता है और बहुत बच्चा इसका आता है, तो आपके लिए कम समय में ये ज़्यादा फायदेमंद हो मतलब हो सकता है। तो ये बर्ड दोस्तों मुझे बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं देखिए इसको रख दिया हूँ घर में मेरा, और दिखने भी बहुत ही बढ़िया है। और ज़्यादातर यहाँ पर मेरा जो है सफ़ेद जो फिंच होता है सफ़ेद फिंच यही मैं ज़्यादातर रखा हूँ, क्योंकि ये दिखने में बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो हर एक का अलग अलग चॉइस होता है, तो सभी कलर अच्छा है लेकिन मुझे व्हाइट थोड़ा ज़्यादा पसंद, मतलब मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए मैं व्हाइट यहाँ पे बहुत सारा लग दिया। और दोस्तों इसका जो दोस्तों इसका बीमार होने की जो बीमार ये ज़्यादातर होता नहीं है। दोस्तों ये जो बर्ड है ये मतलब आपको बाज़ार में बहुत ही कम प्राइस में मिल जाएगा। इसका जो अभी प्राइस मार्केट में चल रहा है वो दोस्तों 180 से 220 रुपया के आसपास पेयर आपको एक पेयर मिल जाएगा जेब्रा फिंच। और गोल्डियन फिंच जो है वो 2000 के आसपास मिल जाएगा, लेकिन गोल्डियन फिंच में जो है दोस्तों वो बहुत आपका कलर वैरायटी मिल जाएगा, लेकिन इसका जो है इसका 2-3 कलर ही आता है।
तो आप लोग अगर जीरा फिश पालना चाहते हैं तो जीरा फिश बेशक पाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आप सीपेट सीपेट किच करते हैं तो उसके लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसका जो मेल फीमेल है वो अगर क्रॉस हो जाए तो दिक्कत हो सकता है। तो आप लोग अगर जेब्रा फिश या येलो गोल्डियन जो है, तो सॉरी, अगर आप लोग गोल्डियन या येलो गोल्डियन पालना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेपरेट सेपरेट केज में रखिए, तो आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि उसका प्राइस थोड़ा हाई है। और इसके अलावा दोस्तों, आप लोग अगर आउल फिंच या लॉन्ग टेल फिंच ये सब पालना चाहते हैं वो भी आप पाल सकते हैं। वो अगर आप लोग ऐसे कॉलोनी में पालते हैं तो उसके लिए बढ़िया होता है। सिर्फ गोल्डियन फिंच छोड़ के आप सभी फिंच जो है वो एक कॉलोनी में पाल सकते हैं। कॉलोनी में बर्ड बहुत ही अच्छा रहता है, कोई भी बर्ड, आप अगर मतलब बजीस हो, अगर आप फिंच हो, जावा हो, ये सब किस्म का जो बर्ड होता है वो कॉलोनी में बहुत ही ज़्यादा आपको प्रोडक्शन दे सकता है। तो आप ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि अगर कॉलोनी में अगर आप लोग बर्ड पालते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ये फिंच बर्ड और बजीस बर्ड जो है वो बजीस बर्ड और फिंच बर्ड में कौन सा बर्ड मतलब ज़्यादा फायदेमंद है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं दोनों को जो कंपेयर है वो एक साथ कंपेयर करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा बर्ड आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।